भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर करनाल के जिला सचिवालय पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े जाने की मांग उठाई। साथ ही किसानों द्वारा अपील की गई कि किसान अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को नहीं जोते, फसल को तैयार कर मजदूरों में मुफ्त में बांट दे। वहीं कुछ किसान कृषि कानूनों के विरोध में अपने खेतों में खड़ी हुई फसलों को जोत रहे हैं। करनाल के गाँव से ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर किसान ने अपनी 5 एकड़ फसल को जोत दिया था। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों के द्वारा अपील की गई कि कोई भी किसान अब खेतों में खड़ी फसल को नहीं जोते। फिलहाल किसान जेलों में बंद किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किसान अपने आंदोलन को और तेज कर सकते हैं। सोचा ज्ञापन देने की है और मैं एक मैसेज दिलबाग सिंह जी इधर आओ मड़े जे, मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने जिमींदार भाइयों को, जो किसी तरह भी लगा लो इमोशनल में आके किसी तरह भी अपनी फसल को जोत रहे हैं। मैं खास करके आपके माध्यम से उन्हें मैसेज दूंगा, अपनी फसल को मत जोते। ये बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हाँ, हमने सरकार की गोडलियाँ लवानी है वो, उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूँ, और अपनी जितनी गेहूँ है अपने खातर आके हम सारी स्टोर करेंगे, हम किसी को बेचेंगे नहीं गेहूँ। ये आप मैसेज फैलाओ और जो ये बाने वाला है खेती को जोतने वाला, ये भाइयों को हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि फसल को बिल्कुल भी जोते ना, ये बच्चों की तरह पाली हुई है, ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें, एक आत्महत्या ना करें बिल्कुल भी। किसान आंदोलन हमने जीतना, हम लड़के जीतेंगे, संघर्ष है हमारा, ये लड़के जीतेंगे हम, ऐसे आत्महत्या बिल्कुल ना करें, ये कायरता का काम, ऐसा कोई काम ना करें। आज हम जी मुद्दा ये लेके आए हैं कि हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपना था, 12 बजे का समय था, वैसे वो 11:30 बजे चले गए, चलो तहसीलदार साहब ने वो ले लिया है। आज का मुद्दा यही है कि जो हमारे नौजवान किसान है अपना जेलों में बंद कर रखे हैं, दिल्ली में या आसे पासे बंद कर रखे हैं साइडों में, किसी के ऊपर 307 का किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर रखा है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद अपने हक मांगने के लिए गए हैं, उन सभी को रिहा किया जाए। ये डीसी साहब तहसीलदार के माध्यम से ये राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है जी। तखविंदर को पता है कि हम आज डीसी साहब के पास पहुंचे हैं। आप जानते ही हैं कि काले कानून रद्द करवाने के लिए किसान, मजदूर, दुकानदार, कुछ भी लोग हैं जो सब अनाज ही खाते हैं, कोई भी मिट्टी नहीं खाता, और किसान एक अन्नदाता है कि जो धरती का सीना पाड़ के, हमारी धरती माँ है, उसमें से उपजा करके हर किसी को खिलाता है। कोहरी ठंड में मतलब कितना बदतर हाल होता है, ये उद्योगपतियों को क्या पता कि क्या होता है। इन्हें तो दो कामों से पता है, एक इनके पास स्नैक प्लॉ, एक मनी प्लांट, और एक ये जो दिल्ली में बैठी इंटरनेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया अतवादी बता रही है, इनको बस दो चीज़ का, उसमें पानी डालिए सुबह शाम को पानी, हमारी खेती होगी, बस ये यहीं तक सीमित रहेंगे। आज हम डीसी ऑफिस करनाल पहुंचे हैं और हम ये राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारे बेकसूर किसान हैं उन्हें रिहा कर जाए, और जो नवदीप कौर पंजाब के रहने वाली है उसे सिंघू बॉर्डर से उठाया गया था 12 जनवरी को, अगर वो 26 जनवरी को बाहर उठाया जाता तो उसे देशद्रोह का मुकदमा डल जाता, अभी तो उठाई ही वो 12 जनवरी को, और उसे रिहा करा जाए, और जो उसके साथ तशद्दुद हुई है उसके ऊपर, जो पुलिस कर्मियों ने तशद्दुद किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम गुरजंट सिंह है, मैं सेक्टर 6 विकास